नमस्कार। और आज हम खड़े हैं यूक्रेनियन एटीवी के सामने, जिसका नाम है शर्प एन 1200। 2012 में लॉन्च हुआ था और ये 2021 का लेटेस्ट जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। सिर्फ डीजल में एक ही मॉडल आता है एन 1200, जिसकी कीमत है एक शोरूम 1.3 करोड़ रुपीज़। इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑफ रोड व्हीकल माना जाता है। ये ऑल व्हील ड्राइव ऑल टेरेन एम्फीबियस व्हीकल है, मतलब कि यह ज़मीन के अलावा पानी पर भी चल सकता है। 2012 में एलेक्सी ग्रेगेशान ने यूक्रेन के कीव शहर में शुरू की थी शर्प कंपनी। 40 डिग्री से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में काम करने के लिए बना है शर्प। 9 सीटर व्हीकल है ये। वैसे आप इसका इंटीरियर कई बिजनेसेस के लिए कस्टमाइज़ करा सकते हैं, जैसे सर्च रेस्क्यू मिशन, माइनिंग, एडवेंचर टूरिज्म, पुलिसिंग, मॉनिटरिंग, पावर लाइंस, ऑयल गैस और कंस्ट्रक्शन। शर्प के और भी एटीवी मॉडल्स आते हैं जो अभी इंडिया नहीं लाए गए हैं। टोइंग के लिए बार्स हैं, फ्लैट अंडर बॉडी है सेफ्टी के लिए, हैंडल बार चढ़ने के लिए, वाइपर और ये एलईडी हेडलाइट। फोर मीटर लेंथ है, 2.8 मीटर हाइट है, 609 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, 2400 kg ड्राइव वेट है, 1200 kg वजन उठा सकता है और 2400 kg तक का वजन खींच सकता है शर्प। और ये हैं 71 इंच के स्टील व्हील्स, आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। हर व्हील के बीच में 58 लीटर का फ्यूल कैनिस्टर है। एक्स्ट्रा लो प्रेशर ट्यूबलेस टायर्स हैं। 35 डिग्री चढ़ाई और 30 डिग्री टिल्ट होकर चल सकता है शर्प। ये शर्प के लिए ही बनाए गए एक्सक्लूसिव टायर्स हैं। और ये रेडिएटर, दूसान कंपनी का एयर फिल्टर, हाईली ड्यूरेबल रैप्टर पॉली यूरीथेन कोटेड पेंट है। टायर में हवा भरने और निकालने के लिए इसमें ऑनबोर्ड सिस्टम है, जिससे ये आसानी से पानी, लकड़ी, पत्थर और बर्फ़ पर चल सकता है। यूनाइटेड नेशंस ने इसे सबसे इफेक्टिव व्हीकल माना है। यूएसए और कनाडा इसके सबसे बड़े मार्केट्स हैं। आज तक लगभग 1000 शर्प्स बिक चुके हैं दुनिया में। पीछे भी टोइंग बार है और यहाँ से भरेंगे डीजल। ₹1000 kg टोइंग कैपेसिटी है। और ये एलईडी टेल लाइट, शर्प का लोगो, हैंडल बार हैं, डिफेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए दुनिया के बेहतरीन इक्विपमेंट्स को यूज़ करके बनाया गया है शर्प को। कितने भी ख़राब वेदर कंडीशंस में इसको चलाया जा सकता है। हॉट ड्रिप्ड गैल्वेनाइज्ड डोकोल स्टील फ्रेम और एल्युमिनियम कैबिन है। और ये एग्जॉस्ट टेल पाइप। और यहाँ ब्रेक फ्लूइड है। और ये फ्यूल फिल्टर। हाँ, पीछे ही 1800 cc इनलाइन 3 सिलेंडर डूसान D18 डीजल इंजन है, डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट DOC के साथ। 55 हॉर्स पावर है, 190 Nm टॉर्क है, 5 लीटर पर आर का एवरेज मिलेगा 327 लीटर के फ्यूल टैंक से। 95 लीटर का मेन फ्यूल टैंक है और चारों व्हील्स में 58 लीटर के फ्यूल कैनिस्टर्स हैं। ग्राउंड पे 40 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड और पानी पर 6 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड मिलेगी। हर 250 आवर्स ड्राइविंग के बाद सर्विस कराना होगा शर्प। बैंड ऑयल बाथ में चेन्स हैं, जिससे उन्हें सर्विस या लुब्रिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आइए पीछे का बूट एरिया ओपन करके देखते हैं। लॉकेबल है ये। तो यहाँ आपको मिलेगी 5800 लीटर की कार्गो स्पेस। आगे पीछे इंटीग्रेटेड फुटबोर्ड्स हैं इजीली चढ़ने के लिए। इसका इंटीरियर रेस्क्यू मिशन के लिए मॉडिफाई किया गया है।
इजीली चढ़ने के लिए हैंडल है। फायर एक्सटिंग्विशर है, कुल्हाड़ी है, और ये तीन फोल्डेबल सीट्स हैं यहाँ पे। पीछे भी काफ़ी स्पेस है, फोल्डेबल चेयर्स हैं, और ये स्ट्रेचर रेस्क्यू मिशन के लिए। ऊपर नेट्स हैं, और ऐसे दिखता है डैशबोर्ड। फुल ग्लास केबिन है, मोटोरोला का वॉकी टॉकी सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट, आइए पीछे का इंटीरियर और डिटेल में जानते हैं। ये स्ट्रेचर हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया गया है। इजीली इसको आप स्लाइड करके निकाल सकते हैं। फ्लोर के नीचे है मेन फ्यूल टैंक, और ये ट्रंक है स्टोरेज के लिए। ऊपर कार्गो नेट्स हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से आप कई एडिशनल टूल्स भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। ऑटोनोमस हीटिंग सिस्टम है, ये केबिन हीटिंग और कोल्ड स्टार्ट में इंजन हीटिंग के लिए यूज होता है। ये बटन दिया गया वहाँ पे, एलईडी रूफ लाइट्स हैं। आइए अब ड्राइवर साइड डोर खोलकर देखते हैं। आगे से आपको विंडशील्ड ओपन करनी पड़ेगी। और ये इजीली चढ़ने के लिए फुटबोर्ड्स, और ये इंजन किल स्विच, फायर एक्सटिंग्विशर, स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग फ्रंट सीट्स हैं, विनाइल अपॉल्स्ट्री है, यहाँ पर हैंडल बार, एसी वेंट, दो यूएसबी पोर्ट्स हैं यहाँ पे, ग्लास होल्डर्स हैं, वार्निंग्स, ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम। ऊपर थोड़ी स्पेस, 12 वोल्ट का पोर्ट। ये पीछे का एरिया आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज़ करा सकते हैं। मैनुअल हैंड ब्रेक, और ये एक्सेलरेटर और क्लच, और ये टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन, दो यूएसबी पोर्ट्स, ये रियर लाइट का बटन, एलईडी लाइट का बटन, रियर कैमरा का बटन, बैटरी का बटन, डिफॉगर का बटन, वाटर पंप, फ्यूल हीटिंग, इंजन लाइटिंग, केबिन हीटर, एसी, ये टायर प्रेशर का बटन, ये वाइपर के बटन्स, और ये लाइट के कंट्रोल्स, और ये बॉटल होल्डर, ये मोटरोला का वॉकी टॉकी सिस्टम। यहाँ ऊपर भी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स हैं, थोड़ी स्पेस, और ये है आर्टिकुलेटेड स्किड स्टीयरिंग ब्रेक्स के साथ, और ये है रेनो का JR5 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। सीट बेल्ट हुक्स, वार्निंग लाइट्स हैं,
और ये है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये स्क्रीन अब ऑन हो गई है। ये स्क्रीन दिखाएगी टेम्परेचर, फ्यूल लेवल, और ये डे नाइट मोड, सर्विस शेड्यूल भी आप यहीं से चेक कर सकते हैं। मेन और रिजर्व बैटरीज का भी लेवल आप यहीं से चेक कर सकते हैं। और ये रिजर्व बैटरी को ऑन करने का बटन, ये टायर इन्फ्लेशन बटन्स हैं जो ऑटोमेटिक टायर्स में हवा भरेगा आपकी ज़रूरत के हिसाब से। एक्सीलेटर देना पड़ेगा आपको हवा भरते टाइम। और ये डिजिटल टायर प्रेशर डिस्प्ले, साइड में आप टेरेन के हिसाब से टायर प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं। ये रियर कैमरा डिस्प्ले, LED रूफ लाइट्स हैं, और ये है आर्टिकुलेटेड स्टेयरिंग। राइट साइड का लीवर दोनों राइट टायर्स को कंट्रोल करेगा और लेफ्ट साइड का लीवर दोनों लेफ्ट टायर को कंट्रोल करेगा, और यहीं से ब्रेक्स भी लगेंगे। और ये कुछ और इन्फॉर्मेशन, और ये इमरजेंसी एग्जिट विंडो, तो ये था शार्प N1200 सर्च एंड रेस्क्यू मॉडल। और ये है शार्प पैसेंजर मॉडल, ऊपर एसी है, बाकी पूरा फ्रंट केबिन सेम है, पीछे सीट्स दी गई हैं, सीटिंग्स आप और बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम 9 सीटर है शार्प N1200। सेम स्विच बोर्ड्स हैं, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। प्लेन रूफ है, ऊपर एसी, इमरजेंसी एग्जिट डोर और एलईडी लाइट्स हैं। बड़े टायर्स की वजह से आप इसे कैसे भी टेरेन पे आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। गैल्वनाइज्ड रस्ट रेजिस्टेंट बॉडी है, न्यूमेटिक सर्कुलेटिंग सस्पेंशन है जिससे आप 60 सेकंड्स के अंदर इलेक्ट्रिकली टायर प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट टर्न किया जा सकता है शार्प को। आइए अंदर चलते हैं। चार पैसेंजर सीट्स हैं, यहाँ थोड़ा स्टोरेज दिया गया है, और ये केबिन हीटिंग कंट्रोल्स, एसी के कंट्रोल्स हैं, और सीट्स आप लगवा सकते हैं। मैक्सिमम 9 लोग बैठ सकते हैं शार्प में। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप कैसे भी इंटीरियर कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। शार्प पानी के ऊपर इजीली चल सकता है और इसे तेज़ लहरों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑटोमेटिक वाटर पंपिंग सिस्टम है इजीली केबिन से पानी बाहर निकालने के लिए। प्लग्स भी दिए गए हैं जिनको खोलते ही पानी बाहर निकल जाएगा। सेफ्टी के अंदर रियर व्यू कैमरा, बैकअप बैटरी, रोल ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम और आगे 3-point सीट बेल्ट्स मिलेंगे। क्लीन एयर एक्ट के अंदर US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने सर्टिफाइड किया है शार्प को। 2 साल 1000 ड्राइव आवर्स की वारंटी शर्प देती है N1200 पे।
इंजन पे 3 साल 3000 ड्राइव आवर्स की वारंटी मिलेगी। रेंटिंग फैसिलिटी भी शर्प देती है N1200 मॉडल पे। शर्प के कई और मॉडल्स भी आते हैं जो अभी इंडिया नहीं लाए गए हैं। स्टेयरिंग के एक लीवर को खींच के हल्के ब्रेक्स लगेंगे और फास्ट टॉप के लिए दोनों लीवर को एक साथ खींचना पड़ेगा। ऐसे ही वर्किंग है आर्टिकुलेटेड स्टेयरिंग की। तो कैसा लगा आपको शर्प N1200 ATV, हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।